हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। प्रार्थना कैसे करें, प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है मेरे प्रियजनों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको पता है प्रार्थना क्यों किया जाता है? परमेश्वर से रिश्ता बनाए रखने के लिए लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से कुछ पाने के लिए निवेदन करते हैं, विनतियाँ करते हैं, अपने पापों के लिए क्षमा मांगने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। परंतु प्रार्थना कैसे करना चाहिए, प्रार्थना करने का सही तरीका है क्या? आखिर जैसे कि लोग दूरियां कम करने के लिए अपने रिश्तेदारों से मोबाइल से बातें करते रहते हैं मेरे प्रियजनों, ये सच बात है। उसी प्रकार से परमेश्वर से बात करने के लिए आज मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा, जो कि बिल्कुल सरल हैं, वह भी वचन से बताएंगे, वचन पर आधारित हैं। पहला नंबर, धन्यवाद देकर प्रार्थना करें। पहला, परमेश्वर को धन्यवाद देकर प्रार्थना शुरू कीजिए, क्योंकि भजन संहिता अध्याय 100:4 में लिखा हुआ है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो मेरे प्रियजनों, क्योंकि वह धन्य है परमेश्वर। एक समय की बात है कि जब यीशु मसीह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखा। तब उसने उससे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, और हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। अगर आप मत्ती की पुस्तक 6:6 में पढ़ोगे तो आप पाएंगे, जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जाओ और द्वार बंद करके पिता से जो गुप्त में है हमारा परमेश्वर उससे प्रार्थना करो, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हमें लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए। लोग होते हैं रोडों के किनारे, सड़कों की मेड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है मेरे प्रियजनों। परमेश्वर आपके मांगने से पहले आपकी सोच और विचारों को जानते हैं, और वह आपको आशीष देगा हमारा परमेश्वर। मत्ती की पुस्तक 6:5-6 में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं बाइबल में प्रयोग। यीशु मसीह इस वचन में कहते हैं कि मनुष्य की प्रार्थना लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के लिए होनी चाहिए, वरना प्रतिफल की आशा करना व्यर्थ है। ठीक है, हमारी प्रार्थना परमेश्वर के लिए होनी चाहिए, मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए कोई प्रभु से उत्तर नहीं चाहता है, प्रार्थनाओं का प्रतिफल नहीं चाहता है, तो अपने घर के अंदर द्वार बंद करके परमेश्वर से प्रार्थना करें। इसका मतलब आपकी प्रार्थना लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के लिए होनी चाहिए, परमेश्वर के लिए होनी चाहिए जो स्वर्ग में विराजमान हमारा परमेश्वर। ठीक है, जिससे आपको प्रतिफल मिल सके। मत्ती की पुस्तक 6:7-13 में लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते उनकी नाई आपकी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे बेवजह चिल्ला चिल्ला कर बक बक करते रहते हैं, बहुत बोलकर प्रार्थना करते हैं, या वे लोग सोचते हैं कि परमेश्वर उनकी सुन लेगा बहुत बोलने से। नो, ये गलत बात है, पर परमेश्वर हम सभी के मांगने से पहले हमारे मन की बातों को जानता है हमारा परमेश्वर, इसलिए लोगों को बक बक करना छोड़कर असली प्रार्थना करना चाहिए। ठीक है, और मैं आपको बात बता रहा हूँ मेरे प्रियजनों, पाप जो है ना प्रार्थनाओं का रुकावट है। मैं आपको बात बता रहा हूँ, आदम और हव्वा थे जिसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया था, जब परमेश्वर ने हव्वा से कहा था कि तू इस वृक्ष का फल ना खाना, तो परंतु उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, उसकी आज्ञा को तोड़ दिया था, उल्लंघन किया था, उसकी आज्ञा को नहीं माना, उसकी विधि को नहीं माना, तोड़ दिया, उसने पाप कर दिया, और उसने वो फल आदम को भी खिलाया और दोनों पाप कर दिए, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिए। उसी वक्त परमेश्वर ने उन्हें आदम वाटिका से निकाल दिया था। ठीक है, और हम सभी के जीवन में जो पाप रहता है, ठीक है, वो प्रार्थनाओं का रुकावट है, क्योंकि यीशु मसीह पापियों की प्रार्थना कभी नहीं सुनता है न स्वीकार करता है, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है। यीशु मसीह का वचन कहता है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो।
जिस प्रकार से हमारा परमेश्वर पवित्र है, उसी प्रकार से हम सभी को भी पवित्र बनना पड़ेगा, वरना दिन रात चिल्लाने से, प्रार्थना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी प्रार्थना यहीं पर रह जाएगी, ऊपर परमेश्वर के पास नहीं सुनाई देगी, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है और पवित्र लोगों की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। ठीक है, यदि हम पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, यदि पापों में लिप्त हैं, वही दलदल में, कचड़े में अगर हम उसी में लिप्त हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा ना। परमेश्वर पवित्र है, उसका लहू पवित्र है, उसका नाम ही पवित्र है, उसका शब्द ही पवित्र है मेरे प्रियजनों। ठीक है, इसलिए परमेश्वर के पास आने की आवश्यकताएँ हैं और अपने पापों को मानना। हाँ, एक बात और मैं आपसे बता रहा हूँ। नंबर वन, यदि हमसे पाप होता है तो पहले परमेश्वर से घुटने टेक के प्रार्थना में अपने पापों की क्षमा मांगना पड़ेगा। अपने पापों की क्षमा मांगना है परमेश्वर से, अपने गुनाहों की तौबा करना है, बोलना है, हे परमेश्वर आपका धन्यवाद, आप हमारे पापों को क्षमा करिए, आप हमारे जीवन में आइए। जितने मैंने पाप अब तक लगातार बचपन से अब तक लगातार मैंने जो भी पाप किए हैं, गलतियाँ किए हैं, गुनाह किए हैं, आप माफ़ करिए, आप क्षमा करिए, क्योंकि आप क्षमा के योग्य हैं। यदि हम ऐसा करते हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगते हैं और पश्चाताप करते हैं, अपने पापों से तौबा करते हैं, तो परमेश्वर हम सभी के पापों को क्षमा करता है, वो हमारे पापों को क्षमा करेगा, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा, वह हमारे जीवन को नया करेगा। ठीक है, यदि हम पवित्र जीवन जिएंगे, एक अच्छा जीवन जिएंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और टाइम टाइम पर परमेश्वर अपनी प्रार्थना का उत्तर भी दे देगा। हमें प्रार्थना का वेट करना नहीं पड़ेगा। हम यदि पवित्र जीवन जिएंगे, परमेश्वर की नज़र में पवित्र जीवन जिएंगे, अच्छा जीवन जिएंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत देगा, मेरे प्रियजनों, तुरंत देगा। ठीक है, हमें पवित्र रहना है, पाप नहीं करना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है जो अपनी व्यवस्था में परमेश्वर ने आज्ञा दी है। ठीक है, प्रार्थना, जब आप प्रार्थना करते हो, प्रार्थना शुरू करने से पहले जो प्रार्थना में वचन शामिल किए जाएंगे, मैं आपको वचन बता रहा हूँ, आगे मैं आपको ऐसे वचन बताने जा रहा हूँ जो आप प्रार्थना में शामिल कर सकते हैं प्रार्थना करते समय। ठीक है, पहला भजन संहिता 66 अध्याय के 18 और 19 वचन लिखा हुआ है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता हूँ तो प्रभु मेरी प्रार्थना ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की और ध्यान दिया है। नंबर दो, भजन संहिता 5:3 वचन, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। भजन संहिता 50:15 वचन में लिखा हुआ है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। यदि आप किसी मुसीबत में हैं, समस्या में, बीमारी में, दुख में, तकलीफ में हैं, तो किसी मनुष्य को नहीं पुकारना है, आपको परमेश्वर को पुकारना है, परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है। ठीक है, आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों के पास दबा के शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की, गुड लक।